नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले इसके सिलेबस की बात करते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। सेफ्टी, हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी, फर्स्ट एड, बेसिक प्रोविजंस जो रेगुलेशन ऑफ इंडिया में दिए है, जैसे वेरियस कंपनीज एक्ट, जैसे चाइल्ड लेबर 14 साल से नीचे के हो तो उसे काम या फैक्ट्री में नहीं करवाते हैं, शॉप में नहीं करवाते हैं, इकोसिस्टम, पोल्यूशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्राउंड वाटर या एनवायरनमेंट। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, विच फैक्टर इज नॉट कंसर्न्ड विथ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर या सैलरी। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, सैलरी इसका ऑप्शन है। ठीक है, सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर जरूरी है, सैलरी कम भी मिले तो चलेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर विच हैजार्ड्स, केमिकल, फिजिकल, इलेक्ट्रिकल या साइकोलॉजिकल। तो इसका आंसर है दोस्तों फिजिकल। ठीक है, याद रखिएगा वाइब्रेशन एंड रेडिएशन ये जो है फिजिकल हैजार्ड्स के अंदर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इन फायर फाइटिंग स्टारवेशन किस लिए यूज होता है? फायर फाइटिंग में लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीजन, पोरिंग वाटर, एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल या रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर। याद रखिएगा फायर फाइटिंग मैटर में स्टारवेशन जो रहता है, स्टारवेशन एलिमिनेटिंग ऑफ फ्यूल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैंड प्रोटेक्शन इज डन थ्रू, हैंड प्रोटेक्शन किसके द्वारा होता है? हेलमेट, ग्लव्स, गोगल्स या मास्क। तो आंसर है दोस्तों, सरल क्वेश्चन था, ग्लव्स। हेलमेट के द्वारा सिर प्रोटेक्ट किया जाता है, गोगल्स से आंखें, मास्क चेहरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंडीशन है जो वर्क के लिए अनसेफ है? ऑयली फ्लोर, गुड लाइट, प्रॉपर टूल या एडिक्वेट वेंटिलेशन। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑयली फ्लोर। ऑयली फ्लोर पे जनरली हम लोग गिर जाते हैं, बाकी सब सेफ कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पुट फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिकल सोर्सेस क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर यूजेस वाटर, ड्राई पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड या फोम। कौन सा यूज़ करेगा इलेक्ट्रिकल सोर्सेस के लिए? 5 क्लासेस होती है, आपको पता होगा, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास के। ठीक है, तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सोर्सेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्क मैनेजमेंट क्या इन्वॉल्व करता है इनमें से, चारों में से? आइडेंटिफाई एंड मॉनिटरिंग रिस्क, हायरिंग एंड एम्प्लॉय विद द जॉब ऑफ मैनेजिंग रिस्क, एलिमिनेटिंग आर वर्क प्रेशर हैजार्ड्स, आइडेंटिफाई रिस्क, असेसिंग रिस्क और एलिमिनेट या कंट्रोल रिस्क। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आइडेंटिफाई करता है, उसे असेस करते हैं, कंट्रोल या एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोनॉमिक हजार्ड इनमें से कौन सा नहीं है? एग्रोनॉमिक हजार्ड, ठीक है, ऑकवर्ड पोजिशन, पुअर हाउस कीपिंग, इमोशनल डिस्टर्बेंस या रॉन्ग लेआउट ऑफ मशीनरी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट शुड नेवर बी डन ऑन ए बर्न, बर्न में जैसे हमें जल जाता है तो वो क्या नहीं करना चाहिए? ऑयल, वाटर, डैम्प क्लोरिन, ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग। तो आंसर है दोस्तों ऑयल नहीं छिड़कना चाहिए, कहते हैं ना नमक जले पे नहीं छिड़कना चाहिए और जल जाता है, वही वाला काम है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट एड का ABC का फुल फॉर्म क्या होता है? एयरवे ब्लीडिंग सर्कुलेशन, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, एयरवे ब्रीथिंग एंड कंप्रेशन, एयरवे ब्लीडिंग एंड कंप्रेशन। तो ऑप्शन नंबर बी है, एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। ठीक है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, CFC का फुल फॉर्म क्या है? CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो है ग्रीन हाउस गैसेस जो रहते हैं उसमें इफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा ये। ठीक है, जनरली रेफ्रिजरेटर में जो गैस रहती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होती है। ठीक है, ये हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुँचाता है, नुकसान पहुँचाता है। आंसर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द ऑर्गेनिज्म विच डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट्स, उसे क्या कहते हैं? अबायोटिक ऑर्गेनिज्म, बायोटिक ऑर्गेनिज्म, कंज्यूमर या डिकम्पोजर्स। तो आंसर है दोस्तों कंज्यूमर्स। ठीक है, एग्जाम्पल है डियर, हिरण, हिरण जो है वो ग्रीन प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इन्हें कंज्यूमर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थक्वेक किस चीज़ से मेजर किया जाता है? टेलीग्राफ, सिस्मोग्राफ, ऑसिलोग्राफ, पायरोग्राफ। इसका आंसर है दोस्तों सिस्मोग्राफ। ठीक है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 R में से कौन सा R नहीं है इन्वायरमेंट के? रिसाइकल, रीजनरेट, रीयूज, रिड्यूस। आंसर है रीजनरेट, इसको छोड़ के बाकी सब 3 R हैं, ये इंपॉर्टेंट 3 R से आ सकता है पेपर में। ठीक है, 3 R, रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी?
नॉन रिन्यूएबल मतलब जो हम रिन्यू नहीं कर सकते, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कोल एनर्जी या रेन। तो इसका आंसर है कोल एनर्जी। ठीक है, खदानें होती है कोल की, इसे रिन्यू नहीं किया जा सकता, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, विच वन इज अ मैन इंक्लूडेड हजार्ड, कौन सा मैन इंक्लूडेड हजार्ड है। ठीक है, लैंड, साइक्लोन, वनक्लो या अर्थ अर्थक्वेक। ठीक है, तो यह आता है लैंड। ठीक है, इसमें मैन इंक्लूड रहता है, बाकी ये जो है ये प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, याद रखिएगा ये नेचुरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, ओजोन लेयर जो है ऑक्सीजन के कितने एटम्स मिलके बनी रहती है। तो इसका आंसर है O3, मतलब होता है ओजोन। ऑक्सीजन के इसमें 3 एटम्स रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, स्टैंडिंग वाटर का एग्जाम्पल क्या है, ठहरे हुए पानी का एग्जाम्पल क्या है, लेक, स्ट्रीम, रिवर या कैनाल। ये तीनों जो रहती है दोस्तों ये फ्लोइंग वाटर है। ठीक है, याद रखिए कि फ्लो फ्लो होते रहते हैं ये, लेकिन लेक जो रहती है वो ठहरी हुई रहती है, जैसे तालाब। ठीक है, उसका पानी ठहरा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो हमने यहाँ पे एक फूड रिलेशन दिया है, ग्रास, डियर, लो एंड डिकम्पोजर्स, तो ये किस चीज़ का है, फूड वेब, फूड प्रोसेस, फूड चेन या फूड पिरामिड। तो आंसर है दोस्तों फूड चेन। ठीक है, ये फूड चेन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन, वाटर साइकिल में ट्रांसफॉर्मेशन होता है वाटर वेपर का लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इवोपरेशन, कंडेंसेशन, ट्रांसपिरेशन या प्रीसिपिटेशन। आंसर है दोस्तों इसका कंडेंसेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है वाटर वेपर का, भाप का, लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स में, पानी आता है ना वही कंडेंसेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस, ये आ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक तो अपने पहुँचाइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।